हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड में जो है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से अपडेट कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे इसका डेट जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, 14 जून 2024 तक जो है कि आप फ्री में जो है कि यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। अगर 14 जून से आगे ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर इसका डेट आगे चला जाएंगे, तो यहाँ से हो सके तो आपसे जो है कि पैसे वगैरह जो है कि यहाँ पर देना होगा आपको। तो अभी जो है कि आपके लिए बहुत ही खास ऑफर है, आप यहाँ पे फ्री में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, या अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है तो उससे भी आप कर सकते हो। सो किस तरह से अपलोड करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है, तो पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि ये जो नॉलेज है वो लोगों को भी मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर पीसी लैपटॉप जो भी यूज़ करते हो, आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। एंड क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है आधार लॉगिन, और आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप यूआईडी भी टाइप कर सकते हो, तो मैंने आधार लॉगिन टाइप करके सर्च कर लिया। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख जाएंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट uid.gov.in। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, हो सके तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। सो आधार लॉगिन करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, चेक आधार स्टेटस, तो कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो है कि आप लॉगिन वाले पेज पे चले जाओगे। अपडेट डेमोग्राफिक डाटा, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे वेलकम माय आधार, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, और नीचे में इसका जो भी सर्विसेज है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड, डाउनलोड आधार, या फिर यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और इसमें कुछ भी हो, जो भी सर्विस हो, अपडेट वगैरह का, चेक आधार वैलिडिटी, सारी सर्विसेज जो है कि नीचे में दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और ये कैप्चा कोड जो है कि यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर और कैप्चा इंटर कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो उस पर आपको OTP कोड भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पर इंटर कर देना है। सो मेरे मोबाइल नंबर पर OTP कोड आ चुका है, चलिए मैं अपना OTP कोड यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना OTP कोड इंटर कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हो अपने आधार कार्ड को बैक साइड और फ्रंट साइड देख सकते हो यहाँ पे। अभी इसका मतलब आप जो है कि इस पोर्टल में लॉगिन हो चुके हो। अभी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सर्विसेज, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपडेट, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है वो यहाँ पर जो है कि वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक बार दिखाया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको इस बॉक्स में टिक मार्क करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का साइज़ जो है कि 2 MB तक होना चाहिए, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर JPG, PNG और PDF फाइल में होना चाहिए, तो ही आप यहां से अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले यहां पे प्लीज़ अपलोड प्रूफ आइडेंटिटी, तो यहां पे आप प्रूफ आइडेंटिटी में आप यहां पे पैन कार्ड दे सकते हो, और
तो चलिए मैं यहाँ पे पहले पेन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और भी कई सारे ऑप्शन जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे कि फ़ोटो आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ फ़ोटो, या फिर राशन कार्ड भी दे सकते हो, या फिर जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हो। तो जो भी आपके पास है उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। तो मैं यहाँ पे पेन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू अपलोड, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो भी पैन कार्ड है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अभी यहाँ पे सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का जो भी स्टेटमेंट हो वो भी दे सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके प्रेस करना है। अभी यहाँ पे आपको जो है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे इसे ऑलरेडी इसका साइज जो है कि क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। सो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी है यहाँ पे मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में टिक मार्क करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफिक, यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डियर रेसिडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे आपको इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम ये प्रोसेस होगा। अभी यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपलोड जो है कि सक्सेसफुली हो चुका है, और इसका जो अमाउंट है यहाँ पे 0 है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको जो है कि इसका जो भी रिसीविंग है, एक्नॉलेजमेंट है, आपको डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से। तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसे PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको इसे एक बार ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री में मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को जो है कि अपडेट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक स्लिप मिल जाएंगे और एंगेजमेंट नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इसे ट्रैक वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको गो टू डैशबोर्ड जाना है। अभी यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किए हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वेरीफाई स्टेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे अभी वेरिफिकेशन स्टेज पे है, उसके बाद वैलिडेशन स्टेज, उसके बाद कंप्लीट जैसे ही हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। सो इस तरह से आप इसे अपडेट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने आधार कार्ड में जो है कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है, अगर इससे आगे हो सके तो आपको जो है कि इसमें न्यू अपडेट आएंगे तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अभी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे तो फ्री में जो है कि आप यहां से अपलोड कर पाओगे, और इसका स्टेटस किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।